हेलो, कैसे हो तुम लोग। मैं हूँ तुम्हारा भाई लॉर्ड। तो अरिजीत सिंह का रेट्रो रिएक्शन का एपिसोड 3 में तुम सभी लोगों को स्वागत है। आज हम लोग रिएक्शन देंगे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग सुपरस्टार जीतता का फिल्म गेम से ओरे मनवारे गाना के ऊपर। और हाँ, बेसिकली एक दिन हिंदी गाना और एक दिन बंगाली गाना के ऊपर रिएक्शन देंगे। और इसी बीच में अगर कोई भाई लोग अलग लैंग्वेज का भी बताए तो कर लेंगे भाई। एनीवे, ये गाना भी एक भाई ने सजेस्ट किया था और मेरे हिसाब से तो बंगालियों का लूप में ये गाना चलता ही रहता है। एनीवे, जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता यार, फील द म्यूजिक, फील द लिरिक्स। तो चलो चलते हैं गाना पे, गाना सुनते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। टी सीरीज बंगला 4.5 मिनट का गाना है। लेट्स गो। ओरे मनवारे, आकृति कक्कर। रुच खलीवा। হারিয়ে বসে আছি দেখ, প্রথমবারেরই দেখায় কত না হলো তোলপাড়। দুচোখ দেখেছে তোকে আজ যে হারিয়ে ফেলেছি খে, আমিও আমার কথা। ये गाना में ऑटोट्यून नहीं है। माया भी रात एक निमेषे तकली तोई आमी हठात अन्य देशे। ये जगह क्या बात। हारिए बसे आछि देख, प्रथम बारे री देखा कखन होलो तोलपाड़। लोकेशन तो बहुत अच्छा है। आई डोंट नो VFX में बनाया है क्या। ये जगह किसी का व्लॉग में देखा हूं मैं। कथा से चुपी चुपी যদি ঠোঁটের পাতায় আমি রাজি মেখে নিতে এসে আর সারা গায়ো এসে গেল দিশে হারা কিছু ইচ্ছে দেদা জমে থাকা ঘটনা উঠে আসুক এবার। ये फिल्म मैं थिएटर में जाके देखा था। सजाबो ताराय ताराय निजेर हाते तोके। गेम का जो विजुअल्स था वो बहुत ही बढ़िया था, मतलब स्केल में बनाया गया था। ओ तो के कानो एतो बाशी आमी दारुण भालो। भाई क्या लिरिक्स लिखा है देखो। काने काने बोले गेली आमार मन पालालो কিছু পাওয়া হলে পড়ে আছে তুলে রাখা কিছু পুরনো পালো। মরণ বাড়ায় যদি আজ হাত তোকেই হঠাৎ মেশাতে সে চুমুকে। মনবারে কেসা হ্যা তু বতা।
प्रकृति का कर अभी तो सुनाई भी नहीं देता उतना ज्यादा। कुरकुरे का एड पे मतलब यार 7 साल हो गया और अरिजीत दा का जितना भी बंगाली गाना है ना वो यार जितना बार भी हम लोग सुनते हैं उतना बार ही उसमें कुछ नयापन फील होता है। 7 साल हो गया बट टेस्ट अभी तक एक ही है। और लिटरली मैं जितना भी बंगाली गाना रिसेंटली रिव्यू किया हूँ, रिएक्शन दिया हूँ, उसमें एक चीज तो मैं बोला हूँ कि ऐसा लिरिक्स और अभी सुनने को नहीं मिलता। आई मीन पुराना बंगाली गाना का लिरिक्स कुछ अलग ही था, मतलब अलग ही हिट करता था। वैसे ये गाना का कौन लिरिक्स लिखा है वो एक बार देख लेते हैं। ओरे मनवारे लिरिक्स सॉन्ग और बनवारे मूवी सिंगर स्टार कास्ट डायरेक्टर मूवी डायरेक्टर स्क्रीन प्ले। अबे लिरिसिस्ट का नाम ही नहीं डाला इन लोगों ने। मे बी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग जिन्होंने लिखा है इनके सलील यही है लिरिसिस्ट में भी। आई डोंट नो, तुम लोगों को अगर पता है तो मेरे को बताना इसका लिरिक्स कौन लिखा है। बट यार जिसने भी लिखा है बोलो तो एक नंबर। स्पेशली वो जगह तो के कैनो एतो बाशी आमी दारुन भालो। आई मीन सोचो एक लिरिसिस्ट का थॉट कितना वाइडर होता है कि तब जाके वो ऐसा लिरिक्स लिखता है। बाकी ये 7 साल नहीं है, 2014 का गाना है। मैं सोच रहा था यार ये गाना 2017 के आसपास है बट नहीं बे 2014 मतलब। और मैं अगर बहुत गलत ना हूं तो 2014 में भी शायद एक विलेन का वो हमदर्द वाला गाना सुना था। फिर सिटी लाइट्स का वो गाना जिसके ऊपर हम लोग ऑब्वियसली रिएक्शन देंगे। बाकी यार ये गाना के साथ मेरा तो ज्यादा कोई मेमोरीज नहीं है। तुम लोगों का अगर है तो मेरे को एक मेमोरीज जरूर कमेंट सेक्शन में बता के जाना। बाकी बात करूं इसका म्यूजिक को लेके तो जीत गांगुली यार हमारा गोल्डन बचपन उनका हाथ से गुजारा है। खैर अभी तो जीत गांगुली के उतना भी काम करते हुए नहीं दिखाई देता। मे बी हो सकता है करता है बट मैं नहीं सुना। बट यार तभी के टाइम में म्यूजिक में क्रिएटिविटी था। बट वैसे जीत गांगुली के लोग बहुत कुछ पता है मेरे को, ज्यादा रिसर्च करूंगा तो पता चलेगा इसका भी म्यूजिक कॉपी है। बाय द वे तुम लोगों को कैसा लगा ये गाना मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी अरिजीत दा का ये गाना के लिए आउट ऑफ 100 मैं 200-500 स्टार्स दे दूंगा। बाकी तब तक के लिए तुम लोग कौन सा गाना के ऊपर रिएक्शन चाहते हो अगर हो सके तो बता देना, कर लेंगे। साथ में अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना। बाकी यार मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।